Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Khana or Sajana with Attiqa. Ek bahut hi mazedar si recipe ke saath. I hope aap sab log bilkul khairiyat se honge. Ji, to jo recipe aaj main aapke paas lekar aayi hoon wo noodles qeema biryani hai. Bahut hi mazedar ye banti hai aur isko banana itna mushkil bhi nahi. To chale aaye dekhte hain ki noodles qeema biryani banane ke liye hame ingredients kaun-kaun se chahiye. यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब मटन का कीमा लिया है. आप चाहें तो आप बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पर हम दो कटे हुए प्याज लेंगे. एक कप के करीब मैं इसके अंदर मटर इस्तेमाल करूँगी. हाफ कप के करीब चॉप की हुई शिमला मिर्च इसमें जाएगी. हाफ कप के करीब हम कटी हुई गाजर इसमें इस्तेमाल करेंगे. 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ पैकेट मैंने नूडल्स का लेकर बॉयल किया था. जो मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब इसमें जीरा जाएगा, 1 तेज़पात, 1 दालचीनी की स्टिक, 5 लौंग, 10 से 12 साबित काली मिर्च और 5 इलायची. 1/4 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब नमक, 1 टेबल स्पून लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब इसमें हम जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे. बहुत ही मज़ेदार ये बनती हैं. सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे, उसके बाद हम चावल बॉईल करेंगे. चावल के इंग्रेडिएंट्स हम आपको बाद में बताएंगे. तो चलें स्टार्ट करते हैं. बिरयानी बनाने के लिए मैं इसके अंदर आधा कप ऑयल इस्तेमाल करूँगी. तो चलें नूडल्स कीमा बिरयानी बनानी स्टार्ट करते हैं. जी, तो ये मैंने इसके अंदर आधा कप के करीब ऑयल ऐड किया है. इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे. जी, ये प्याज हमने इसमें डाल दिया है. प्याज को हम ब्राउन करेंगे. जी, ये प्याज को हमें ब्राउन करना है, लेकिन उससे पहले ही हम इसके अंदर मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे. ये तेज़पात इसमें जाएगा, दालचीनी, लौंग, साबुत काली मिर्च, इलायची और ये ज़ीरा भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. जी, ये प्याज हमारे पास ब्राउन हो गया है. इसके अंदर अब हम कीमा ऐड करेंगे. कीमे को 5 मिनट तक हम इसमें फ्राई करेंगे. 5 मिनट तक आपने कीमे को फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता. कीमे को फ्राई करने के साथ ही साथ में इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी. जी, तो 5 मिनट तक मैंने कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है. अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे. ये शिमला मिर्च इसमें जाएगी, ये मटर भी इसमें चले जाएंगे और ये गाजर भी इसमें ऐड करके 2 से 3 मिनट तक हम दोबारा इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे. आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा. नूडल्स कीमा बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है. और इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई और मज़ेदार सी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे. रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा. जी, 4 मिनट तक मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है. अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे. ये नमक, मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, हल्दी और जायफल जावित्री का पाउडर इसमें चला जाएगा. इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे. तमाम मसालों को और तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है. अब मैं इसके अंदर 1 कप के करीब पानी ऐड करूँगी. ये 1 कप के करीब इसके अंदर पानी चला जाएगा. जी, 1 कप के करीब इसके अंदर पानी चला गया है. अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर कर मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाएं. जी, तो जब तक नूडल्स कीमा बिरयानी बनाने का मसाला जो है वो तैयार हो रहा है, हम चावल बॉयल कर लेते हैं. मैं 1.5 ग्लास के करीब चावल बना रही हूँ और यहाँ पर मैंने 2.5 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है. इसके अंदर मैं ये 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी, 5 दाने इलायची के इसमें जाएंगे, 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक जाएगा, 1
टीस्पून के करीब इसके अंदर हम सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे। हम इसको कवर कर देंगे और जब पानी बॉईल होना स्टार्ट होगा इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये देखें, ये पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी और चावल डालने के बाद हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाना है। चावल जब एक कनिक के करीब रह जाएंगे तो तब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और मसाला ऐड करके दम दे देंगे। जी तो 10 मिनट तक मैंने ये कीमा और वेजिटेबल्स को कुक कर लिया है और ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। इनको मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट तक या फिर जब तक ऑयल सेपरेट नहीं होता हाई फ्लेम के ऊपर इनको भून लूँगी। ये इसमें से तेज़पात को और दालचीनी के स्टिक को निकाल कर हम इनको डिस्कार्ड कर देंगे। तेज़ आंच के ऊपर जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता हम इनको भून लेंगे। कीमा और वेजिटेबल्स अच्छी तरह से गल चुकी हैं। नमक और मिर्च भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर नमक और मिर्च को ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक मैंने इनको दोबारा अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर नूडल्स ऐड करने लगी हूँ। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी तो ये हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको हम साइड पे करेंगे। चावल भी बॉयल हो चुके हैं और अब हम इनकी असेंबलिंग कर लेंगे। जी तो ये चावल बॉयल हो चुके थे, मैंने इसमें से आधे चावल जो है वो निकाल लिए हैं। इसके ऊपर अब हम जो कीमा नूडल्स हमने तैयार किए थे उनको डालेंगे। जी तो ये हमने चावलों के ऊपर कीमा नूडल्स की लेयर लगा दी है। अब हम इसके ऊपर बाकी बचे हुए चावल ऐड कर देंगे। मैंने ये केवड़ा वाटर लिया था उसके अंदर मैंने जर्दा रंग ऐड किया है, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया इसके ऊपर जाएगा, थोड़े से पुदीने के पत्ते हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। कवर कर 5 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे और हमारे पास ये नूडल्स कीमा बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखें, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको देचकी के अंदर ही अच्छी तरह से मिक्स कर लें और चाहे तो इसी तरह से इसकी लेयर उठाकर आप इसको डिश में निकाल लें। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है, बहुत ही यमी टेस्ट के साथ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि इस मज़ेदार यूनिक सी नूडल्स कीमा बिरयानी का टेस्ट और फ्लेवर आपको कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।